नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो दक्षिण अमेरिका पार्ट 4 है। पिछले के 3 वीडियो दक्षिण अमेरिका पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में मैंने दक्षिण अमेरिका के विविध पहलुओं की चर्चा की है। पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने दक्षिण अमेरिका का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत किया था। पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने दक्षिण अमेरिका के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की थी और पार्ट 3 के अंतर्गत मैंने दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों जैसे अमेज़न है, ओरोनिको है, ला प्लाटा है, साओ फ्रांसिस्को है, इन नदियों की चर्चा की थी। साथ ही दक्षिण अमेरिका की जलवायु, दक्षिण अमेरिका की कृषि के संदर्भ में एक विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की थी। आज दक्षिण अमेरिका का पार्ट 4 है, जिसके अंतर्गत मैं दक्षिण अमेरिका के अन्य छुटे हुए पहलू जैसे खनिज संपदा, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की यातायात और इससे संबंधित विविध फैक्ट की चर्चा करूँगा। अगर ये चार वीडियो आप देख लेते हैं, चार वीडियो को देख कर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अपना तैयार करते हैं, तो मेरा यह मानना है या आप देख सकते हैं खुद कि इससे संबंधित, दक्षिण अमेरिका से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के साथ पार्ट 4 में पूरे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से दक्षिण अमेरिका के विविध पहलुओं की चर्चा की है। तो आइए चलते हैं दक्षिण अमेरिका का पार्ट 4, जिसके अंतर्गत मैं निम्न बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। कौन कौन से बिंदु पर चर्चा करूंगा? तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका की खनिज संपदा, मतलब कौन कौन से मिनरल्स, हालांकि मिनरल्स तो काफी अधिक पाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कौन कौन से वहां के महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं। तो दक्षिण अमेरिका की खनिज संपदा, वहां की जनसंख्या, यातायात के प्रमुख साधन, यातायात के साधन यानी यातायात और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट अर्थात दक्षिण अमेरिका के विविध फैक्ट या तथ्यों की चर्चा करो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं दक्षिण अमेरिका की खनिज संपदा। तो ध्यान दीजिएगा, खनिज दक्षिण अमेरिका खनिज तेल, लौह अयस्क, तांबा, नाइट्रेट, टीन एवं बॉक्साइट एवं मैग्नीज के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिज तेल के अंतर्गत वेनेजुएला का मरकाइबो क्षेत्र, ये दक्षिण अमेरिका का मैप देख रहे हैं तो वेनेजुएला का या वेनेजुएला कंट्री है, तो इसका यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है मरकाइबो झील क्षेत्र, जहां पर सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन होता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मिनरल्स, मतलब सबसे अधिक खनिज तेल जो है इसी क्षेत्र में उत्पादित होता है और वह कौन सा है? वेनेजुएला का मरकाइबो क्षेत्र, क्लियर है। इसके अलावे ट्रिनिडाड एवं टोबैगो भी दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला या कंट्री वेनेजुएला जो है वह ओपेक का भी मेंबर है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब पेट्रोलियम के निर्यातक देशों की एक संस्था है ओपेक। प्रारंभ में इसके 5 मेंबर थे, जिसमें वेनेजुएला भी एक मेंबर था। स्पष्ट है कि वेनेजुएला जो है वह ओपेक का संस्थापक सदस्य है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और कहां पर हुई थी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ओपेक की स्थापना कहां हुई। तो ओपेक की स्थापना मध्य एशिया के एक देश, दक्षिण पश्चिम एशिया के एक देश इराक के बगदाद में हुई थी। उस समय उसके 5 मेंबर थे। कौन कौन से 5 मेंबर थे? तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। तो ध्यान दीजिएगा, इन 5 देशों में से 4 देश जो थे वह दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश थे। उससे बाहर 5वां मात्र एक मेंबर था, वह दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला, जो इसकी महत्व को दिखाता है कि वेनेजुएला जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्लियर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका के उस देश का नाम बताइए जो ओपेक का संस्थापक सदस्य है, तो आप क्या बताएंगे? वेनेजुएला। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। प्रारंभ में कितने मेंबर थे? 5। उसमें से 4 मेंबर कौन कौन? सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत, वह दक्षिण पश्चिम एशियाई देश, और दक्षिण अमेरिका का एक देश वेनेजुएला था, क्लियर है।
इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है कि वर्तमान में ओपेक में कितने मेंबर थे, तो ध्यान देंगे वर्तमान में ओपेक में 14 मेंबर है। एक देश जो है वर्तमान में ओपेक में 14 देश है, और सर्वाधिक जो क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है कि सबसे अधिक ओपेक के मेंबर सदस्य देशों में 14 जो सदस्य देश है, किस महाद्वीप के देश सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे अफ्रीकी महाद्वीप। अफ्रीकी महाद्वीप के देश जो है वह ओपेक के सबसे अधिक मेंबर देश है, 7 मेंबर है अफ्रीकी कंट्री में। ठीक है, तो वेनेजुएला में खनिज तेल का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, यह है मरकाइबो का झील क्षेत्र है। क्लियर है। इसके अलावा वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका के सभी देशों में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक तेल, सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर है। तो मिनरल्स के दृष्टिकोण से खनिज संपदा में पेट्रोलियम यहां का एक महत्वपूर्ण मिनरल है, खनिज महत्वपूर्ण संपदा है। क्लियर है। अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ का खनिज मिनरल है वह है आयरन ओर, लौह अयस्क। और लौह अयस्क के दृष्टिकोण से ब्राजील यह कंट्री है, तो ब्राजील का जो इटावीरा है, इटावीरा वह सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करता है। ब्राजील का इटावीरा जो है वह सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करता है। क्लियर है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे ब्राजील का इटावीरा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आप बताएंगे आयरन ओर। अगला महत्वपूर्ण जो खनिज है दक्षिण अमेरिका का वह है तांबा, और तांबा में दक्षिण अमेरिका के इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश है यह चिली। चिली का चुकी कमाता, ध्यान देंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है चुकी कमाता, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉपर यानी तांबा उत्पादक क्षेत्र है, और इसे विश्व में तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कैपिटल ऑफ कॉपर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे चिली के चुकीकमाता को कैपिटल ऑफ कॉपर कहा जाता है। टीन के उत्पादन के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण देश है बोलिविया, तो दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वाधिक टीन का उत्पादन कहां होता है, बोलिविया में। देखिएगा बोलिविया और पेरू की सीमा पर एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है टिटिकाका। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, और इसी के अलावा बोलिविया के पठार पर ही एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है लेक पोपो, जो बोलिविया में मीठे पानी की एक महत्वपूर्ण झील है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण जो मिनरल है दक्षिण अमेरिका का वह बॉक्साइट, और बॉक्साइट में सुरीनाम और गुयाना, सुरीनाम और गुयाना ये दो देश, यह सुरीनाम यह देश और यह गुयाना, यह सुरीनाम यह गुयाना, ये दो देश जो है दक्षिण अमेरिका में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा लास्ट और महत्वपूर्ण जो मैग्नीज है वह मैग्नीज, जिसके लिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील सबसे महत्वपूर्ण देश है, और ब्राजील की एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट भी होता है कि अमापा खान, कौन सी खान, अमापा, अमापा खान विश्व में मैग्नीज के उत्पादन की सबसे बड़ी खान है, और वह कहाँ है, ब्राजील में। क्लियर है। और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सीसा के उत्पादन के लिए है यह पेरू, पेरू सीसा के उत्पादन के लिए पेरू जो है काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर है। तो यहां तक हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिज संपदा की चर्चा की है। एक बार रिवीजन मैं फिर से कर देता हूं, क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला, दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यह वेनेजुएला, और वेनेजुएला में कौन सा क्षेत्र है, मरकाइबो झील क्षेत्र। क्लियर है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में ट्रिनिडाड और टोबैगो, यह भी पेट्रोलियम का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज जो है वह लौह अयस्क, ब्राजील का इटावेरा क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण है तांबा, जो चिली के चुकीकमाता में होता है। चौथा महत्वपूर्ण मंडल है वह टीन, जो बोलिविया में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है बॉक्साइट, यह बॉक्साइट कहाँ है, सुरीनाम और गुयाना, सुरीनाम और गुयाना में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और मैग्नीज के लिए ब्राजील, ब्राजील की अमापा खान जो है वह सबसे विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी उत्पादक खान है। क्लियर है। तो दक्षिण अमेरिका के मिनरल्स की चर्चा मैंने कर ली, इससे बाहर आपको मिनरल्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना आप याद रखेंगे।
वेनेजुएला का मरकाइबो क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए और ट्रिनिडाड और टोबैगो पेट्रोलियम के लिए है, गुयाना और सुरीनाम किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए, चुकीकमाता किस लिए है, तांबा के लिए, इसके अलावा इटावेरा क्षेत्र किसके लिए है, तो यह आपका लोहेस के लिए है। बोलिविया किस चीज के उत्पादन के लिए है, तो बोलिविया जो है वह टीन के उत्पादन के लिए, पेरू जो है वह सीसा के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या, जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जानेंगे कि दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें रेड इंडियन के ही नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है, रेड इंडियन यह मूल निवासी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस प्रजाति से संबंधित है, तो रेड इंडियन जो है वह मंगोल प्रजाति से संबंधित है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह मंगोलाइड प्रजाति है दक्षिण अमेरिका, क्लियर है। लेकिन साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि यह दक्षिण अमेरिका जो है वह मिश्रित प्रजातियों का एक देश है, मिश्रित प्रजाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें अश्वेत इंडियन, अश्वेत यूरोपीय और अश्वेत और यूरोपीय मिलकर अलग अलग नाम इनका चर्चा किया गया या आपको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में इंडियन और यूरोपीय जातियों के मिश्रण से, ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्लस यूरोपीय, इंडियन प्लस यूरोपीय जातियों के मिश्रण से जो प्रजाति बनी है उसका नाम है मेस्टिजो। ये क्वेश्चन आप लोग मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्लस यूरोपीय इन दोनों प्रजातियों के मिश्रण से जो प्रजाति बनी है उसका नाम है मिस्टिजो, और दक्षिण अमेरिका की सभी प्रजातियों में मिस्टिजो जो है वह सर्वाधिक है, क्लियर है। अगला जो है वह है अश्वेत प्लस यूरोपीय, अश्वेत और यूरोपीय अगर मिल गए, इन दोनों प्रजातियों का खून मिला, तो एक नई प्रजाति बनी जिसका नाम है मुलाटो। क्या नाम है? मुलाटो, मुलाटो। और अगला जो है अश्वेत प्लस इंडियन अगर मिल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अश्वेत प्लस इंडियन मिल जाते हैं, तो यह जो प्रजाति बनती है इसका नाम है जैम्बो। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेस्टिजो किसको कहें? इंडियन प्लस यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से मेस्टिजो, अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से मुलाटो, और अश्वेत प्लस इंडियन प्रजातियों के मिश्रण से जैम्बो प्रजाति बनी है। ये महत्वपूर्ण मिश्रित प्रजाति है दक्षिण अमेरिका की, लेकिन जो मूल प्रजाति है वह रेड इंडियन, जो मंगोल प्रजाति से संबंधित है, क्लियर है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण अमेरिका के जो महत्वपूर्ण देश हैं, मूल देश, उन जो मूल भूमि पर देश हैं, उन नौ देशों में, उन 13 देशों में, नौ देशों में जो है स्पेनिश राष्ट्रभाषा है, क्लियर है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में स्पेनिश जो है, अर्थात स्पेनिश बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, स्पेनिश जो है यहाँ की राष्ट्रभाषा है। इसके अलावा गुयाना में अंग्रेजी, गुयाना में अंग्रेजी, ब्राजील में, यह ब्राजील जो है यहाँ पुर्तगाली बोली जाती है, और सुरीनाम में डच बोली जाती है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अमेरिका के नौ देशों में जो भाषा बोली जाती है वह स्पेनिश, जबकि ब्राजील में पुर्तगाली बोली जाती है, और गुयाना में जो है अंग्रेजी बोली जाती है, और सुरीनाम में डच भाषा बोली जाती है। तो एक महत्वपूर्ण है दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या के संदर्भ में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक डेंस पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सा है, डेंस पॉपुलेटेड मतलब घनी जनसंख्या यानी घनी आबादी का देश जो प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर निकाला जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक घनी आबादी का देश है यह इक्वेडोर। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक डेंस पॉपुलेटेड कंट्री पूरे दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, इक्वेडोर, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका के इन देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश, पर कैपिटा इनकम वाला देश जो है वह कौन सा है, तो यह सुरीनाम। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो देश है वह सुरीनाम, क्लियर है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका में, नगरीकृत मतलब अर्बन पॉपुलेशन सबसे अधिक कहां पर है, तो यह है उरुग्वे। अर्जेंटीना के उत्तर पूर्व में एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे, जहां पर सबसे अधिक अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, नगरीकृत जनसंख्या स्थित है, क्लियर है।
दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या के संदर्भ में मैंने एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के सामने रखा। अब आ जाते हैं यातायात। तो ध्यान दीजिएगा, यातायात से सिर्फ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में यातायात के प्रमुख साधन में रेल जो है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रेलवे में सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है उसका नाम है, यह देखिए, ब्राजील चिली की वाल्पाराइसो से ब्यूनस आयर्स तक जाती है और इस रेल मार्ग का नाम जो है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस एंडियन रेल मार्ग किस देश में, किस कॉन्टिनेंट में, तो आप क्या बताएंगे, दक्षिण अमेरिका में। यह यहां का ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है जो कहां से कहां तक जाती है। देखिए एंडीज पर्वत को काटते हुए चिली के वाल्पाराइसो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाती है और इसी का नाम है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ट्रांस मतलब होता है महाद्वीप के आर पार, एंडियन मतलब एंडीज को क्रॉस करते हुए, ठीक है, महाद्वीप के आर पार एंडीज को क्रॉस करते हुए जो रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, जो चिली के वाल्पाराइसो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। क्लियर है? तो यातायात के संदर्भ में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है जिसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं मिसलेनियस पॉइंट दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में। तो ध्यान देंगे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे जो बड़ा देश है ब्राजील, यह दक्षिण अमेरिका के 10 देशों की सीमाओं से लगा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? तो एक फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद पेरू, पेरू के बाद बोलिविया, बोलिविया के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद उरुग्वे। तो कुल कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दक्षिण अमेरिका के 13 मुख्य भूमि पर जो 13 देश हैं उनमें से 10 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगी हुई है। किसके साथ? तो पेरू, किसके, किन दो देशों के साथ दक्षिण अमेरिका की सीमा नहीं लगी हुई है? तो वह है एक यह चिली के साथ में और दूसरी यह है इक्वेडोर के साथ में। तो दो देश जो हैं उनसे दक्षिण अमेरिका ब्राजील की सीमा नहीं लगी हुई। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश ऐसे हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगी हुई है। तो आप बताएंगे इक्वेडोर और चिली, ये दो महत्वपूर्ण देश है जिसकी सीमा जो है ब्राजील से नहीं लगी हुई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना इपेटू जल विद्युत परियोजना जो ब्राजील में इपेटू, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इपेटू परियोजना कहां है? ब्राजील में। किस नदी पर है? पराना नदी पर। और दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादक केंद्र है, क्या नाम है? इपेटू। क्लियर है? इसके अलावा मैंने दो बंदरगाह नगर को भी यहां पर दिखाया है, एक है सैंटोस और दूसरा है रेसिफे। सैंटोस क्या है? ध्यान दीजिएगा, ब्राजील के साओ पाउलो को जो कहा जाता है कहवा का सबसे बड़ा मंडी है और यहाँ पर इसे कहवा का घर भी कहा जाता है। तो जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है कहवा का उसी का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। यहाँ देखिए यह साओ पाउलो है और इसका जो बंदरगाह शहर है यह है सैंटोस। तो सैंटोस वर्ल्ड में क्यों फेमस है कि वर्ल्ड में जितना भी कहवा का निर्यात होता है उसमें सर्वाधिक निर्यातक बंदरगाह है यह सैंटोस। क्लियर है? जबकि यहां पर एक रेसिफे, तो यहां से एक नदी जाती है, पिछले क्लास में मैंने बताया था साओ फ्रांसिस्को नदी। इस नदी घाटी का जो क्षेत्र है वह गन्ना का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है और इसके कारण यहां पर चीनी का प्रोडक्शन काफी बड़े पैमाने पर होता है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि रेसिफे वह बंदरगाह है जहां पर वर्ल्ड में सबसे अधिक चीनी का निर्यात किया जाता है। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे रेसिफे। क्लियर है? तो रेसिफे जो है वर्ल्ड में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। क्लियर है? अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है अर्जेंटीना और तीसरा महत्वपूर्ण देश है कोलंबिया। लेकिन अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है ब्राजील और दूसरा सबसे बड़ा देश है कोलंबिया। क्लियर है? फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एस्टेंसिया दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एस्टेंसिया क्या है, ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना जो देश है तो यहाँ पर पंपास घास का जो मैदान है वह बहुत बड़ा
पशुपालन केंद्र है, घास के मैदान के आधार पर यहाँ पर पशुपालन या बड़े बड़े पशुपालन केंद्र का यहाँ पर विकास हुआ है। तो अर्जेंटीना में जो बड़े बड़े पशुपालन केंद्र हैं उनको कहा जाता है एस्टेंसिया। तो एस्टेंसिया क्या है? बड़े बड़े पशुपालन केंद्र, उनका नाम क्या है? एस्टेंसिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा गाउचो क्या है, व्हाट इज गाउचो, तो इन पशुपालन केंद्र में अर्थात एस्टेंसिया में जो काम करने वाले मजदूर हैं उन मजदूरों को कहा जाता है गाउचो। क्लियर है? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोंटाना क्या है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है मोंटाना। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के इंडिक पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढाल पर जो वन है उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पेरू, इस देश में इसको कहा जाता है मोंटाना। उसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए इक्वेडोर में क्या नाम दिया गया है, तो इक्वेडोर में इसका नाम है ओरिएंटे, ठीक है। और बोलिविया में युनगास कहा जाता है। बोलिविया में क्या कहा जाता है? युगनास। कोलंबिया में युगनास जो है ये कोलंबिया में, पेरू में मोंटाना जो है वह पेरू में, मोंटाना पेरू में। क्लियर है? बोलिविया में, युगनास। क्लियर है? और यह जो है इक्वेडोर, यहां पर इसका है ओरिएंटे, इक्वेडोर में ओरिएंटे। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसकी मैंने चर्चा की है इसको आप लोग देख लेंगे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है, तो बोलिविया की राजधानी जो है लापाज। लापाज जो है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है पूरे वर्ल्ड का। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी दक्षिण अमेरिका संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या अन्य राज्यों के सिविल सर्विस एग्जाम हो, इससे बाहर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर आप देख ले, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट फोर कंप्लीट हुआ और इस तरीके से पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मैंने समराइज करके आपको बता दिया है। अगला जो मेरा टॉपिक चलेगा वह इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत होगा, वह है भारत की जलवायु। ओके।